हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं औली उत्तराखंड। आज शाम की हमारी ट्रिप है, 10 बजे से स्टार्ट होगी। फिलहाल के लिए अभी हमें पैकिंग वैकिंग करनी है, थोड़ा सा टाइम है जब तक थोड़े से बाल वाल कटवा लें, दाढ़ी बढ़ रही है, दाढ़ी बनवाएंगे और करते हैं पैकिंग स्टार्ट। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया था, 10 बजे की है, 9 बज चुके हैं, अभी सारे दोस्त आ रहे हैं तो मेरा भी सब कुछ हो ही चुका है पैक वैक, और चलते हैं अब। तो भाई थोड़ा सा लेट हो गया, कारण ये था कि गाड़ी हो गई है लेट, हमें 10 बजे निकलना था, 10 की जगह बज गए हैं कितने दिले दो 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 बजे निकल रहे हैं गाड़ी में भी। अब देखो अभी गाड़ी आई है, अब सुबह तक टाइम से होटल पे चेक इन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बाकी हम आ गए हैं हरिद्वार, ये देख लो चूतियों की, सॉरी गाली नहीं, घर वाले भी देखते हैं, मम्मी देखेगी, यही करने गया था। अभी हम जा रहे थे डायरेक्ट औली, रास्ते में पड़ रहा था हरिद्वार, तो पहले तो सोचा था रुकने की, फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ नहीं रुक रहे थे, डायरेक्ट जा रहे थे, बट पता नहीं अच्छा क्या हुआ अचानक हरिद्वार में रुक गए। 4 बंदे हैं पीछे, हम 4 आगे हैं, उसके बाद अब जा रहे हैं हरिद्वार नहाने। अब देखो अभी यहाँ से नहा के हरिद्वार से निकल रहे हैं, यहाँ पे पानी इतना कम है, पीछे से रोक रखा है और गंदा, काफी गंदा ही पानी आ रहा है। अभी रात भर सफर करे, मतलब हम शनिवार को 10 बजे निकले, इतनी भीड़ इतनी जाम मिली हमें, या तो यहाँ पे पहाड़ों पे लैंडस्लाइड हो रखा है जिसके कारण हमें आने में थोड़ा सा लेट हो गया। हम पहुँचे हैं शनिवार को रात में 2 बजे, और हमारा होटल तो पूरा बर्बाद ही गया। ये नीचे के 2 कमरे, ये ऊपर के 2 कमरे, ये हमारा रूम था। हाँ भाई, बोरो प्लस क्या चाहिए तेरे को? बोरो प्लस चाहिए, क्या करेगा? लगाऊंगा ऑटो पे लगाएगा। हाँ भाई कैसा है? जैसा कि आप देख रखे हैं ठंडी के कारण ऑटो पे नमी आते हुए। भाई कलरी हुडी, फेस वॉश क्या करेगा भाई? चेहरा ऐसा लग रहा काला कलर ले लिया। हाँ है ना भाई, सही कह रहा है भाई। अभी हम पहुंचे हैं औली, यहाँ से रास्ता गाड़ी का जाने का खराब था, ठंड बहुत है, हम इसकी रिसोर्ट में आए थे। अब यहाँ से हम लेंगे वो तुम्हारा क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं इसको, अरे केबल कार। अब हम यहाँ से जाएंगे केबल कार से डायरेक्ट, अब यहाँ से डायरेक्ट केबल कार जाएगी तुम्हारी वहाँ औली, यहाँ पे बर्फ है फिलहाल, अभी यहाँ पे बर्फ पड़ नहीं रही, ऑफ सीजन चल रहा है, अक्टूबर का मंथ है, अगर सीजन में जाना है नवंबर के बाद, और दिसंबर जनवरी भीड़ मिलेगी और बर्फ A1। जैसा कि कहा था केबल कार से जाएंगे, 500 रुपये पर पर्सन की टिकट है, यहाँ से 1 किलोमीटर का जाना है, 1 किलोमीटर का आना है, 500 रुपये में अप एंड डाउन दोनों ही है। कार से जाने से अच्छा है इसमें 500 रुपये खर्च करके जाओ और आओ, क्योंकि अभी इसके अलग ही जाने का एक मज़ा है भाई। जैसा कि कहा था केबल कार, भाई साहब मैं सच बताऊं हालत खराब है, नीचे का व्यू दिखा यार। भाई मैं वीडियो नहीं बना रहा, नीचे देखने में बहुत फट रही है भाई, देखो ये थोड़ा परेशान है भाई, सच बता रहा हूँ, मेरे को अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्यार है, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि मैं इसमें आ गया भाई, कसम से इसमें आना नहीं चाहिए भाई, सच बता रहा हूँ, जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क ऐसे कामों में ही है, कभी मत लेना, कितना भी पैसा अगर तुमको उल्टा मिले नहीं लेने का है।
भाई हालत खराब हो गई थी उसमें जब बैठा ना पहली बार, और जब नीचे देख रहा था ऐसा लग रहा था कसम से भाई परलोक सिधार जाएंगे। बाकी ये हम आ चुके हैं, बर्फ है बट पता क्या है अभी ओली में बर्फ नहीं गिरी है, बर्फ है ना जो बर्फ गिरी है तो ऊपर के साइड काफी सामने वो देख रहे हो वहां गिरी है, यहाँ ओली में इसको कहते हैं मिनी स्विट्जरलैंड। फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे बर्फ नहीं गिरी है, ठीक है यहाँ पे गिरेगी अगले मंथ जनवरी फुल, और प्लस में तुम्हारा ये हेमकुंड साहब के पास तुम्हारा वो है फूल बगीचा पता नहीं क्या कहते हैं वहाँ पे मिलती है इस टाइम पे बर्फ अक्टूबर के टाइम पे। वो देख रहे हैं वहाँ नीचे, वहाँ गया फिर वहाँ से आया, हालत ख़राब होगी, मौसम का कोई भरोसा नहीं है, बारिश स्टार्ट होगी नहीं तो रुकना तो हमें और देर तक था, अब इसके कारण हमें बारिश के कारण जाना पड़ रहा है। अब डायरेक्ट है बद्रीनाथ, अब बद्रीनाथ में गाड़ी रुकेगी, बद्रीनाथ खा। कोई मेरे को बताएगा ये चीज़ है क्या, साला ऐसा लग रहा है जैसे फिल्मों में पहाड़ों के पीछे आके हम रॉकेट लॉन्च नहीं करते सैटेलाइट डिश्यूम वो मिसाइल लॉन्चर लग रहे। ये तो बड़ी तेजी में भाई अभी हो रही है बारिश, हम जा रहे हैं इससे केबल कार, बारिश हो रही है इसीलिए वीडियो में बंद कर रहा हूँ, बाकी देख लो गहरा कितना है, फटती बहुत है भाई, चढ़ना मत, गम है तो चढ़ जाना। भाई सुबह के बज गए 9:30, मंदिर में बाहर बद्रीनाथ मिल जाता है सुबह 5-4 बजे, मगर यहाँ पे बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, रात से ही बारिश हो रही है जिसकी वजह से हम निकले नहीं, अभी भी बारिश ही हो रही है, बस अभी थोड़ी देर में होटल से निकल रहे हैं, यहाँ से निकलेंगे, बारिश अभी भी हो रही है यहाँ से ज़्यादा नहीं, 500 मीटर की दूरी पर बद्रीनाथ, पैदल पैदल ही जाना है। बाकी हमारे भाई लोग, भाई है हिम्मत वाला भाई 3 दिन से जाग रहा है, ड्राइवर को चेतावनी देते देख लो भाई बद्रीनाथ में अभी यहाँ पे तापमान हो रहा है -3 डिग्री, पूरा का पूरा धुंध, और अभी हमें निकलना है बद्रीनाथ मंदिर की ओर, बाकी जितने को दर्शन करना था वो लोग तो भाई सुबह 5 बजे जाके लाइन लगा के आ गए, अब हमें निकलना है, हमें तो होगा लेट 3 घंटे लगेंगे लाइन में। भाई फाइनली वी आर रीच्ड बद्रीनाथ, यहाँ पे भीड़ बहुत हो रही है और बारिश इतनी हो रही है, मतलब कल रात से डायरेक्ट बारिश ही हो रही है, फिर भी यहाँ पे भीड़ इतनी है पूछो मत हदसे ज़्यादा। और बाकी अभी मैं तुम्हें फ्रंट का व्यू दिखाता हूँ, तो मंदिर है हमें यहाँ से यूँ घूम के फिर जाना है और मंदिर हो रहा, अब ये देखो इसे कहते हैं पानी, अब इसमें नहाने में मजा आ जाए भाई, भाई। और यहाँ पे है ना वो देखो वो कुंड है, गर्म पानी और ठंडे पानी दोनों का कुंड होता है, लेडीज का अलग जेंट्स का अलग। यहाँ पे आए, एटीएम में कैश नहीं था बट तुम यहाँ पे जो मंदिर वाले होते हैं इनसे ले सकते हो, मगर आओ तो कैश लेके आओ, यहाँ पे प्रसाद लिया, चप्पल उतारे, ठंड इतनी है पैरों से तो चला ही नहीं जा रहा, मतलब पैर एकदम सुन पड़ गए हैं, सुन पैर हमारे, नाक भी पता नहीं चल रही है, कान भी पता नहीं, नाक कान हाथ पैर कुछ नहीं पता चल रहे हैं कि नहीं है। भाई अभी लाइन में लगे हुए हैं, ये तो अच्छा हुआ हमने भांजी मार दी, हमने अपने 4 बंदे पहले ही भेज दिए कि तुम जाके लाइन में लग जाओ, तो ये आधे दूर आ चुके थे तो फिर हम यहाँ के बीच में लग गए, ठंड इतनी है पैरों की ऐसी तैसी हो चुकी है।
बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, बिल्कुल भी। और अभी भी हमें 1 से 1.5 घंटा लगेगा अंदर मंदिर में दर्शन के लिए। लाइन बहुत लंबी है, फटने वाली है अच्छे से। गेट है 10:30 हो चुके हैं, 12:30 तक मंदिर बंद, 12 बजे तक बंद हो जाएगा। उससे पहले पहले दर्शन करके निकल लेते हैं, घर भी निकलना है। टाइम लगेगा, 14 घंटे का सफर है यहाँ से। भीड़ इतनी थी अंदर, मतलब लोग ऐसे धक्का मार रहे हैं उसके अंदर का, जो लोगा होता है अंदर पंडित, पंडित नहीं खैर वो होता है, वो पुलिस वाला ऐसे धक्का मार रहा है, ऐसे धक्का मार रहा है जैसे कि जानबूझ का गुस्सा उतार रहा हो, एकदम ढंग से गुस्सा मारता, गुस्सा उतारता भाई। दे धक्का दे धक्का दे धक्का। हमने तो भाई मस्त दर्शन कर लिए, पास से दर्शन करे, फ्रंट टू फ्रंट देखा, उसके बाद ही निकले, चाहे कोई भी धक्का दे ले, आए या तो भाई पूरा ही करके जाओ। दर्शन कर लिए, भीड़ इतनी थी पूछो मत, मगर खैर सुबह सुबह की भीड़ होती है, बाद में तो खाली ही हो गया था। फिर उसके बाद भाई पैरों की हालत तो खराब हो रखी है, ठंड बहुत है। सब हमने घूम लिया, ओली हो गया, जोशी मठ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, डायरेक्ट यहाँ से निकलेंगे घर। भाई रात में भी ये जाम लग रहा था, दिन में भी ये जाम है, कम से कम 2 किलोमीटर का जाम है ये पूरा का पूरा। आगे कीचड़ हो रखा है, लैंडस्लाइड की वजह से जाम लग रहा है। अभी देखो थोड़ी देर में, कितनी देर में क्लियर होगा। भाई अभी यहाँ पे लग रखा है जाम, हम बद्रीनाथ के उतर रहे थे यहाँ से, बहुत तगड़ा जाम लग रखा है, अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो जाम है वो है पूरा का पूरा, वहाँ तक एंड तक जाम ही जाम है पूरा का पूरा, देख रहे हो जाम, इतना लंबा जाम है। अभी तो हम बैक साइड से पीछे से आ गए 1.5-2 किलोमीटर, अभी 1.5-2 किलोमीटर और है, फिर उसके आगे का पता नहीं और कितना लंबा जाम है। और भाई यहाँ देख लो, ये है वो वाला पानी, ये है दो नदियों का संगम, एक इधर से आ रहा है ये और एक ये बद्रीनाथ वाला पानी, शायद देव प्रयाग इसे ही कहते हैं, देव प्रयाग। और एक पानी इधर से आया, एक पानी इधर से आया, ये फाइनली घर आ ही गया। बहुत देर हो गया भाई, सुबह के 6:30 बज गए। आओ ये चलो साइड हो जाओ, चलो मम्मी।